मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल बटन दबाइए मेरे वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। देखिए, हम लोग एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज करते हैं एवरी थर्ड मंथ पे, और हमारा ये 8th एडिशन है। 3 साल से लगभग हम लोग ये एग्जीबिशंस कर रहे हैं। तो इसके साथ साथ हम लोग कुछ बच्चों के लिए और लेडीज के लिए प्रोग्राम्स करते हैं। तो अभी हमारे यहाँ डांस कॉम्पिटिशन होने वाले हैं, सोलो सिंगिंग होने वाला है, और फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन है, और लेडीज का रैंप वॉक है, और 30 कॉम्पिटिशन हमारा हो चुका है। देखिए, हम चलन तो क्या, हम तो बस चाहते हैं कि लेडीज और बच्चे आगे बढ़े, उनका टैलेंट कहीं पुटअप हो, कहीं पर शो, और हमें मौका मिल रहा है तो क्यों नहीं। देखिए, आप अभी आपको यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा लग रहा है? सूदिंग सा एनवायरनमेंट है। तो जो हम लोग एनवायरनमेंट जैसा हम चाहेंगे वैसा ही बनाएंगे। तो हमारा सूदिंग एनवायरनमेंट है, लोग अपना होमली एटमोसफेयर फील करते हैं और एंजॉय करते हैं। ये डेजलिंग एग्जीबिशन है, हमारा 8th एडिशन है, और इसमें हमारे जो डेजलिंग एग्जीबिशन है उसकी खास बात ये होती है कि हम लोग हर बार एक प्रोग्राम के साथ चलते हैं, बच्चों को और लेडीज को एक प्लेटफॉर्म देते हैं जो किसी और एग्जीबिशन में आपको देखने को नहीं मिलता है। तो हम लोगों ने डेजलिंग क्लब की शुरुआत की, उसके बाद हमने डेजलिंग एग्जीबिशन की शुरुआत की। वो इसीलिए कि जो महिलाएं घर में बैठ करके अपना कला का प्रदर्शन नहीं कर पाती हैं, जैसे आज हमने तीज क्वीन कंपटीशन किया है, तो बिल्कुल जो हाउसवाइफ्स हैं जिनको घर में निकलने का मौका ही नहीं मिलता है, वो इस बार यहाँ आई और उन्होंने यहाँ आके परफॉर्म किया, और मतलब उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला और वो बहुत खुश होकर गए कि आप लोगों ने हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। बच्चों के लिए हमने कुछ सोलो डांस कंपटीशन रखे हैं, सिंगिंग कंपटीशन रखे हैं, और फैंसी ड्रेस रखा है। डांस कंपटीशन उन बच्चों के लिए है जो घर में टीवी से ही सीखते हैं और उनको लगता है कि हम कहीं तो कुछ करें, तो उन बच्चों को आगे बढ़ाने का एक हमने छोटी सी एक कोशिश की है जिसमें हम सफल हुए। ये ओकेजनल डायल प्रेजेंट्स आज फैशन फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन है, और इस कॉम्पिटिशन का ऑब्जेक्टिव है बेसिकली बच्चों को एनहेंस करना। उन्हें बेसिकली फैंसी ड्रेस कंपनी किड्स हैं, टीनेजर्स हैं, लेडीज भी हैं इसमें, और इसके साथ साथ हमने बच्चों के लिए सोलो डांस और सोलो सिंगिंग भी रखा हुआ है। और इसका ऑब्जेक्टिव है बच्चों को एक नया प्लेटफॉर्म देना। यहाँ बच्चा जो भी विन करेगा कंपटीशन, उसको प्राइज भी है, सर्टिफिकेट भी है, काउंसलेशन भी है, राइट। और इस तरह का ये इवेंट हम डेजलिंग के साथ एसोसिएशन होकर कर रहे हैं। इसमें पावर्ड बाई मोबाइल की दुनिया और को पावर्ड बाई केक हाउस और बाकी सारे हमारे सपोर्टर्स हैं, और इसके लिए स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूंगा मैं डेजलिंग इवेंट्स को, जिन्होंने कि हमें इस इवेंट को एंटरटेन करने का मौका दिया हुआ है। इसलिए दिस इज स्कोप टू लाइफ स्टाइल, ये लाइफ स्टाइल का स्कोप बढ़ रहा है, लोगों को बताना चाहिए और बताना जानना भी चाहिए कि अगर आप पैसा कमाते हो तो इसको यूज कैसे करें, यूटिलाइज कैसे करें, और एजुकेशन को एक्सप्रेस कैसे करें। तो ये वही एजुकेशन है जिसको लोग ले लेते हैं, उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो ये लाइफ स्टाइल ट्रेंड और लिविंग ऑफ लाइफ स्टाइल अब लोग जानने लगे हैं, और इसीलिए लोग अब बिंदास और इस तरह के एक्सपेंशन में जीने लगे हैं। देखिए, एक तो आगरा में इससे पता चलता है कि टैलेंट को नर्चर करने के लिए काफ़ी अच्छे प्रोग्राम्स लोग कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और टैलेंट की कोई कमी नहीं है। मैं तो देखता हूँ तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जो थोड़ा छूटे हुए हैं अभी, डांस या फैशन, इसमें तो फिर भी काम अच्छा हो रहा है। स्पोर्ट्स में काफ़ी पीछे चल रहा है आगरा, जिसमें कि इसको मौका मिलना चाहिए टैलेंट्स को आगे आने का, बट ये भी बहुत अच्छा प्रयास है कि जो हमारा डांस में बच्चों का टैलेंट है, फैशन में बच्चों का टैलेंट है, कल्चरली जो है वो आगे बढ़ें, और आगरा के लिए भी एक ऐतिहासिक शहर है उसके लिए बहुत अच्छी बात है, और ऐसे लोग जो इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं बधाई के पात्र हैं। इस तरह के एग्जीबिशन के लगे एक लाइफस्टाइल को इस टाइम को चेंज करते हैं, तो युवा पीढ़ी को अगर देखा जाए तो युवा पीढ़ी के लिए कितना बेहतर होगा? देखिए, युवा पीढ़ी काफ़ी समझदार है, हम ये कहेंगे कि वो वक्त के महत्व को जानते हैं, डिसिप्लिन को समझते हैं, और आगे बढ़ना चाहते हैं, जोश भी है, उत्साह भी है, और वो चाहते हैं कि देश, एक बहुत अच्छी चीज़ जो मुझे देखने को मिल रही है बच्चों से जब मैं इंटरेक्ट करता हूँ, कि उनकी सोच
सफाई को लेकर, स्वच्छता को लेकर, उनकी सोच करप्शन को लेकर बिल्कुल अलग है। एक तो वो बहुत ईमानदारी चाहते हैं, चाहे वो सिस्टम हो, प्रशासन हो, दूसरा वो साफ सुथरी चीज चाहते हैं, डिसिप्लिन को पालन करना चाहते हैं, ट्रैफिक रूल्स हो, कोई भी चीज़ हो, तो ये बहुत अच्छा शुभ संकेत है देश के लिए भी और आने वाले समय के लिए भी कि युवा जो है वो बहुत अच्छा काम इस दिशा में कर रहे हैं। और इस तरह के प्रयास भी बहुत अच्छी चीज़ है। हम लोग तो बहुत पीछे चल रहे हैं और देशों की तुलना में, लेकिन अच्छी बात है। आगरा जैसे मीडियम लेवल के शहर जब इस तरह की चीज़ें ऑर्गेनाइज करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा।